तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो मेरे पास है एक नॉर्मल सा दिखने वाला स्क्रू ड्राइवर, और जब आप इससे कोई भी काम करते हो तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर बनाकर दिखाना रहा हूं जिससे आपका मिंटू का काम चुटकी बजाते ही हो जाएगा, साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल है और ये काफी कम दाम में बन जाएगा। तो मैंने कुछ पीवीसी पाइप के शीट बना लिए हैं और इसका मैंने सर्कल कट कर लिया है, उसके बाद मैंने एक स्लाइड स्विच लिया है और ये जो स्विच है वो टू वे स्विच है और इसकी पिन जो है वो आप लोग पीछे देख सकते हो। इसके जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा सिंपल है और हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है वो दोनों तरफ घूमेगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो मैं इस स्विच के अंदर के एरिया का डायमेंशन ले रहा हूं और इसका जो लेंथ है वो हमारा 9 mm है और जो हमारा वाइड है वो हमारा 5 mm है। तो मैं यहां पर इसमें मार्क कर लेता हूं पीवीसी शीट पे और इसको जो है मैं यहां पर कट कर लूंगा। तो देख सकते हो मैंने इसमें कट कर लिया है और इसके साथ मैंने इसके साइड में दो होल भी कर दिए हैं ताकि हमारा स्विच को मैं यहां पर फिक्स कर सकूं। तो अब मैं इस स्विच को स्क्रू की मदद से इसमें टाइट कर ले रहा हूं और इसके बीच में मैंने एक होल भी किया हुआ है। तो यहां पर मैं लगाऊंगा डीसी फीमेल सॉकेट, तो देख सकते हो ये फीमेल सॉकेट है और यहां पर मैं सोल्डरिंग आयरन के मदद से इसमें एक होल कर लेता हूं। तो देख सकते हो मैंने इसमें होल कर लिया है और अब मैं इसमें हमारा जो डीसी फीमेल सॉकेट है उसको यहां पर टाइट कर लूंगा। अब इसके कनेक्शन भी कर लेते हैं और आप लोग सोच रहे होगे कि यहां पर मैं कनेक्शन इसका पहले क्यों बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपको मैं कनेक्शन लास्ट में दिखाऊंगा तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूं ताकि आपको वायरिंग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां पर मैंने एक वायर लिया है और इस वायर को मैं सॉकेट के पॉजिटिव के साथ शोल्डर करूंगा और इसी को मैं स्विच के बीच वाले पॉइंट के साथ शोल्डर कर दूंगा। और इसके बाद मैं एक और वायर ले रहा हूं और इसको मैं इसके नेगेटिव के साथ शोल्डर करने वाला हूं और इसी वाले वायर को हमारे जो पॉजिटिव जहां पर मैंने जोड़ा था उसके जस्ट बगल में मैं जोड़ दूंगा। और हमारा जो स्विच है वो 6 pin वाला है, मतलब कि 2-way स्विच है और इसका जो बीच वाला सेक्शन है वो यहां पर सेपरेट होता है। उसके बाद मैं एक और वायर लिया हूं और इस वायर को मैं स्विच के 1 pin के साथ ऐसे जोड़ दूंगा और इस दूसरे वायर को मैं क्रॉस में जोड़ दूंगा, मतलब कि हमारा जो तीसरा पिन है उसके जस्ट ऑपोजिट तरफ में, उसको यहां पर मैं जोड़ दूंगा। और इसी तरीके से मैं एक और वायर लूंगा और इस वायर को भी मैं यहां पर क्रॉस में ऐसे जोड़ दूंगा। तो ये जो स्विच का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने पीवीसी शीट का एक और सर्कल यहां पर कट कर लिया है और इसके बीच मैंने एक बड़ा सा होल भी कर दिया है ताकि मैं इस मोटर को इसमें अच्छे तरीके से लगा सकूं। और ये जो मोटर है वो 12 वोल्ट से चलता है और ये नॉर्मल मोटर नहीं, ये गियर वाली मोटर है क्योंकि इसका जो आरपीएम है वो काफी कम है, ये 100 RPM पर घूमता है, लेकिन इसका जो टॉर्क है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब मैं इस मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पर वायर को शोल्डर कर ले रहा हूं। तो अब इसका हैंडल बनाने के लिए मेरे पास एक पीवीसी पाइप है और इसी के साइज का मैंने इस पीवीसी वाले सर्कल कट किया था ताकि हमारा जो मोटर है वो यहां पर एकदम सेंटर में फिट बैठे। और इसको यहां पर इसमें फिक्स करने से पहले इसमें मैं एक स्विच लगाने वाला हूं। तो देख सकते हो मेरे पास एक पुश स्विच है और यहां पर मैं इसको लगाने वाला हूं। तो पहले मैं मोटर का देख लेता हूं ताकि हमारा जो मोटर है वो इसके बीच में ना आए। तो यहां पर मैं एक होल कर लेता हूं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो देख सकते हो मैंने इसमें होल कर लिया है और हमारा जो ये स्विच है वो यहां पर अच्छे तरीके से फिट बैठ रहा है। और इसके बाद मैं इस मोटर के वायर को बीच से कट कर रहा हूं ताकि मैं इसमें स्विच को जोड़ सकूं और इस मोटर की वायर को भी मैं डिसोल्डर कर रहा हूं। उसके बाद मैं स्विच में दो वायर को शोल्डर कर रहा हूं और यहां पर मैंने इस वायर को पहले से डिसोल्डर इसलिए कर लिया ताकि हमारा जो स्विच है वो यहां पर पीछे से टाइट होता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस होल में से इन दोनों वायर को निकाल लूंगा और इस वायर से मैं इस बोल्ट को भी लगा दूंगा ताकि हमारा जो स्विच है वो यहां पर अच्छे तरीके से टाइट हो जाए। तो मैंने इस स्विच को यहां पर अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है और उसके बाद इस मोटर के एक वायर पर मैं स्विच के वायर को यहां पर शोल्डर कर लूंगा और अब इस मोटर को यहां पर चिपका ले रहा हूं। और अब इन दोनों बचे हुए वायर को 2-way स्विच के लास्ट पिन के साथ हम शोल्डर कर लेंगे। और अब मैं इस कैप को भी इसके ऊपर चिपका ले रहा हूं। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है वो बन चुका है, लेकिन इसे कुछ भी टाइट करने के लिए आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर का बिट और उसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो उसके लिए आपको चाहिए रहेगा कुछ इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर और ये जो स्क्रू ड्राइवर है उसके जो बिट है वो यहां पर चेंज हो जाते हैं। तो इसको मैं यहां पर काट के अलग कर लेता हूं। तो अब इस बिट को मोटर के साथ जोड़ने के लिए मेरे पास है खाली पेन का कवर और यहां पर मैंने इस बिट के ऊपर धागे को लगाकर फेविक्विक से चिपका लिया है ताकि ये थोड़ा सा ग्रिप इसमें आ जाए
और अब इसको मैं यहाँ पर चिपका लेता हूँ फेविक्विक की मदद से। और अब इस मोटर के शाफ्ट को भी मैं फेविक्विक की मदद से चिपका ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एक क्रैक आ गया, तो यहाँ पर मैं जिप टाइट की मदद से इसको यहाँ पर अच्छे से टाइट कर दूंगा। फाइनली हमने इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर को बना लिया है और अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास खोलने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं यहाँ पर एक मल्टीमीटर लिया हूँ और इसके मैं स्क्रूज को यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ और इसके साथ में इसको टाइट करके भी दिखाऊंगा। और इसको पावर देने के लिए मेरे पास एक 12 वोल्ट आधे एम्पियर का एक एडाप्टर है, तो मैं यहाँ पर इससे इसको चलाकर दिखाने वाला हूँ। आप चाहो तो इसके जगह पर एक अपना सा बना हुआ एडाप्टर को यूज कर सकते हो, जो कि ट्रांसफॉर्मर से बना होता है, उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि वो यहाँ पर 2 एम्पियर तक होना चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से वर्क करे। तो मैं इसमें यहाँ पर एक बिट को लगाता हूँ और ये जो बिट है वो मल्टीमीटर के स्क्रू के साथ मैच करता है। तो अब मैं आपको इस मल्टीमीटर के पेज को यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ। तो खोलने के लिए मैं इसको एंटी क्लॉक पर स्विच करता हूँ और हमारे जो ये मोटर है वो यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है, आप लोग देख सकते हो। और अब मैं आपको स्क्रू खोल के दिखाता हूँ। तो देख सकते हो जैसे मैं स्क्रू को यहाँ पर खोल रहा हूँ तो यहाँ पर हल्का सा पहले एक झटका सा लग रहा है, क्योंकि हमारा जो पेच है वो काफी दिन से टाइट हुआ पड़ा है और ये थोड़ा सा टाइट रहा, इसलिए लूज होने पर ये थोड़ा सा झटका देता है। और अब मैं आपको इसको टाइट करके दिखाता हूँ। तो मैं इस स्विच को यहाँ पर क्लॉक डायरेक्शन पे यहाँ पर स्विच कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हो हमारे जो स्क्रू है यहाँ पर अच्छे तरीके से टाइट हो गया, और टाइट होने के बाद ये थोड़ा सा झटका दे रहा है, जिससे आप समझ सकते हो कि हमारे जो स्क्रू है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है वो वर्क करता है और आप इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में स्विच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।